हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर दो प्याज़ा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पनीर ले लिया हुआ है और ये होममेड पनीर है। यहाँ मैंने प्याज को दो तरीके से चॉप किया, यहाँ पे मैंने एकदम ही छोटे छोटे से चॉप किया हुआ और ये मैंने हाफ़ करके इनकी कलियाँ सारी निकाल ली हुई हैं। और यहाँ पर मैंने टमाटर काट के रख लिया हुआ, ये हमारा अदरक लहसुन और ये हमारा है धनिया पत्ता, ये गरम मसाला और यहाँ पे काजू और ये सारे मसाले, इतने इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम बनाएंगे पनीर दो प्याज़ा। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो पनीर बनाने के लिए एक हम ग्रेवी तैयार करेंगे, जिसके पैन ले लिया हुआ है, उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, हल्का सा पानी ऐड करेंगे और इसमें जो हमने टमाटर काट के रखे थे वो हम डाल देंगे, जो मैंने यहाँ पे काजू रखे हुए थे वो सारे काजू ऐड कर लूंगी। इसके बाद जो मैंने प्याज काट के रखे हुए थे वो ऐड कर लूंगी। इसके बाद जो अदरक और लहसुन को जो हमने यहाँ पे काट के रखा हुआ था वो भी हम ऐड कर देंगे और कुछ धनिया पत्ता। इन सबको हम अच्छे से बॉईल कर लेते हैं जब तक कि हमारा अच्छे से अदरक लहसुन टमाटर जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए और जो काजू हमने ऐड किया वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, तब तक हम इसको बॉईल कर लेते हैं। अब हम इसको ढक देते हैं और अच्छे से बॉईल आने तक का वेट करते हैं जब तक ये हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से एकदम बॉईल हो गया है, टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो गया है, प्याज भी सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये पेस्ट हमारा बनके रेडी है। अब हम तो यहाँ पे कढ़ाई गरम कर लिया है मैंने, अब मैं इसमें तेल ऐड कर दूंगी। अब गरम हो गया है, इसमें हम ऐड कर देंगे जीरा, कुछ गोटा गरम मसाला, ये तेज पत्ता, इन सबको हम हल्का सा स्टर कर लेते हैं। अब ये लाल हो गया तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज जो हमने चॉप करके रखे थे एकदम छोटे छोटे, इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हमने जो मसाले तैयार किए थे प्यूरी वो हम ऐड कर देंगे। अब इन सबको हल्का सा थोड़ा देर तक फ्राई करते हैं। दो मिनट फ्राई होने के बाद अब हम इसी में ऐड कर देंगे सारे मसाले, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप ऐड करें ज़्यादा, वरना कम ही ऐड करें। इसमें हल्का सा धनिया पाउडर और हल्का सा जीरा पाउडर और नमक, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपने हिसाब से ऐड कर लें आपको जितना पसंद हो। अब इन सबको हम थोड़ी देर तक फ्राई करते हैं। दो मिनट फ्राई होने के बाद हमने जो प्याज बड़े बड़े चॉप कर काट के रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और प्याज के साथ मसाले को थोड़ी देर तक भूनेंगे ताकि जो प्याज है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अब ये प्याज के साथ मसाला हमारा फ्राई हो गया है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। मैंने यहाँ पनीर को फ्राई नहीं किया हुआ, जस्ट ऐसे ही रखा है, इसी में ऐड कर दूंगी। उसके बाद से मसाले के साथ पनीर को थोड़ी देर तक अच्छे से फ्राई करूंगी। हम इसी में ऐड कर देंगे गरम मसाला। अब इन सबको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। हमारा पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसमें हम ऊपर से हल्का सा घी ऐड कर देंगे ताकि फ्लेवर थोड़ा और अच्छे से आए। अगर आपको इसी तरह से चाहिए बिना पानी का तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्का सा पानी।
तो ये पनीर में अब बॉयल अच्छे से आ गया है। हमने जो थोड़ा सा धनिया लिया था वो ऊपर से डाल देंगे और पनीर अब हमारा बन के तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये पनीर दो प्याज़ा बन के एकदम रेडी है। होप गाइज आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।